head massage for men and women but before talking about my personal experience let's little bit talk about the product its features and how to use it and what brand claims about this product and finally my honest review about this product so without wasting time let's dive into the video <music> ट आई एम टिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट दिस इज दोडक्ट इफ आई टिटी दम्स इन पैकेजिंग बहुत ही लाइक uh, हार्ड like, वाला डब्बा है, है, है क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके सब कुछ वैसे दे रखा है इसके अंदर आपको ये पेपर मिल जाते हैं जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इनकेस अगर आप पढ़ना चाहो तो एंड साथ में इसके ब्रश सा भी दिया गया है क्यूज सा वैसे मैंने पहले देखा नहीं था मैंने कुछ दिन पहले ही देखा ये ना शायद क्लीनिंग करने के लिए है कि अगर कोई हेयर वगैरह चले जाए तो आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हो अभी वैसे मेरे गए नहीं अगर जाएंगे तो डेफिनेटली कर लूंगी मैं एंड नाउ लेट्स फर्स्ट सी द प्रोडक्ट मैंने इनका फेस लिफ्ट डिवाइस भी रिव्यू करा था उसका भी जो बिल्ड क्वालिटी था वो बहुत ज्यादा अच्छा था मुझे ये उससे भी ज्यादा सुपीरियर लग रहा है एंड ट्रस्ट मी इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है जब मैं इसकी वीडियो शॉर्ट्स ले रही थी ना यार ये मेरे हाथ से गिर गए मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी तो इसको कुछ भी नहीं हुआ तो लाइट भी बंद नहीं हुई इसकी तो आई वुड से कि इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में ही बहुत अच्छी है इसके ऊपर एक कवर सा होता है वो उतार लेना ये दिस बटन मुझे नहीं पता देख हाँ दिस बटन इज फॉर लाइटिंग एंड दिस वन इज फॉर मसाज मोड इसमें दो लाइटिंग है रेड एंड ब्लू मैं अभी बताती हूँ कि क्या क्या पर्पज है उनका एंड उसके बाद ये मसाज मोड आपको मिल जाते हैं इसको आप विदाउट लाइटिंग भी यूज कर सकते हो अगर मैं बात करूं अगर आप मसाज करोगे तो ये लाइट चलेगी अगर आप लाइट सिर्फ यूज कर रहे हो तो ये लाइट चलेगी अगर आप दोनों यूज कर रहे हो कट्ठे तो दोनों ही चलेगी और जब आप चार्ज कर रहे होंगे ना तो ये वाली लाइट चलेगी ठीक है इसमें यह भी फीचर है कि आप बिना लाइट यूज करे भी सिर्फ मसाज मोड के साथ इसको यूज कर सकते हो Yes, ये मुझे काफी अच्छा फीचर लगा इनका मुझे पहले लगा था कि लाइट चलेगी तभी वाइब्रेशन ही होगी और इसकी बैटरी लाइफ ना चार्ज हो जाता है।, और ये है जो की बहुत ही बढ़िया बात है ये इसकी वायर मिल गई इसके साथ आप यहाँ पे इसको चार्ज कर सकते हो पहले मुझे ऐसा लगा था इसकी वायर होगी लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये कोडलेस है जो की बहुत 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 अच्छी है और हम इसको इजिली अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है यू विल ऑल्सो गेट वन वारंटी ऑन दिस डिवाइस। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये मैंने लिया मुझे थुण्ट अलॉन्ग विदम अकेले का प्राइस मेरे ख्याल से अभी बाईसो रुपए ही है ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज आप देख लीजिएगा और भी एक्जैक्ट प्राइस है देती जाऊंगी नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर जब मैंने इसके बारे में प्रॉपर स्टडी किया प्रूवन एलईडी हेयर

लाइट ऑन हो गया अगर हम दोबारा से प्रेस करेंगे तो लाइट चेंज हो जाएगा एंड देन हम इस बटन को प्रेस करेंगे लॉन्ग प्रेस देन वाइब्रेशन विल बी स्टार्टेड ओके और इसके वाइब्रेशंस के भी तीन मोड्स हैं मैं कैसे सुनाऊं आपको वो वा फर्स्ट वाइब्रेशन मैंने फिर से क्लिक किया थ्री टाइम्स हो रही है फिर से प्रेस कर रही हूं मैं हम ये थोड़ी ऐसे करके हम फिर से कर रही हूं ये लॉन्ग वाली है कॉन्टिन्यूस वाली वाइब्रेशन है ठीक है तो इस तरीके से तीन तरह के इसमें वाइब्रेशन मोड्स भी मिल जाते हैं और अगर आप लाइट को बंद करते हो ना लुक एट दिस फिर से मैंने बटन को ऑन कर आ, फिर से मैंने प्रेस करा लॉन्ग प्रेस करा सॉरी तो ये बंद हो गई लेकिन वाइब्रेशन स्टिल सो दिस इज हाउ इट इज यूज ओके तो कंफ्यूज मत होना अभी सिर्फ वाइब्रेशन मोड चल रहा है तो ये मसाज वाला जो बटन है वो चल रहा है आई oh, होप कि ब्लू लाइट दिख रही होगी सबसे ऊपर और मैंने लाइट वाला अगर ऑन करती हूँ ये दोनों ही चलने लग गई है राइट दिस इज वॉट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर यू अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ लाइट ब्लू लाइट ये करती क्या है इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सी चीज बताना चाहूंगी कि रेड लाइट थेरेपी होती क्या है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल 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 टी थेरेपी लाइक इट्स लो लेवल इट्स लो लेवल इट्स लो लो लेव लो लेवल इट्स लो लेवल लेजर थेरेपी ठीक है इसको ऐसा क्यों बोला जाता है बिकॉज इट इज द ट्रीटमेंट दैट यूजेज रेड एंड इनफ्रेडेड लाइट टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ ओके okay, ये सीरियसली आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर देती है बिकॉज इट पेनिट्रेट्स इन टू द स्किन इफ आई टॉक अबाउट द रेड लाइट दिस रेड लाइट थेरेपी स्टिमुलेट्स द हेयर ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिय जो कि हमारे बालों को चाहिए होते हैं इट कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द हेयर दैट ग्रोज बाय इंक्रीजिंग द ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एरिया And it also makes sure that the growing hair is getting the nutrients it needs to be healthy. Especially the red light hoti hai, that improves the quality of the hair. So we can say that this red light hai, stimulates hai hair follicles to control hair fall to promote healthier and strong hair growth. और अगर हम बात करें ब्लू लाइट की कि ये क्या करती है ब्लू लाइट मोड मोर सू एंडल वाइल टारगेटिंग बैक्टीरिया बिल्डअप टू गेट रिड ऑफ डेंड्रफ यस अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअसली दो हफ्ते के लिए यूज करोगे ना तो आपको विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा अपने डेंड्रफ में वो मैं मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे दिखा है वैसे भी आप मेरी हर वीडियो में देखा ही होगा वेन इट कम्स टू तो हेयर ग्रोथ आई ऑलवेज फोकस ऑन द एंटी डेंड्रफ स्ट राइट right? अगर आप हेयर ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो ना तो फर्स्ट ट्रीट योर स्कैल्प क्योंकि हमारे स्केल uh, पे इतना बैक्टीरिया होता है हमें लगता है कि यार हमारी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही तो हमें डेंड्रफ का क्या ही लेना देना लेकिन अगर जब तक डेंड्रव रहेगा ना आपके बालों के ऊपर आपकी हेयर ग्रोथ कभी भी नहीं होगी सो मेक श्योर कि आप पहले डेंड्रफ को भी ट्रीट करें मुझे ऐसा लगता है कि उसको सोच समझ के ही इन्होंने दो लाइट बनाई है क्योंकि डेंड्रफ का सर से जाना बहुत जरूरी है तभी आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है और हेयर ग्रोथ होता है इट हैज थे वाइब्रेशन एलईडी Lights in 49 massage points. Now, come to the main point my personal experience. I'm using this product more than a month now and I'm loving it. Why I'm loving it? Because I have seen a drastic difference in my dandruff. बट वेन इट कम्स टू द हेयर रीग्रोथ यार हर चीज चाहे आप सेरम भी लगाओ या कुछ भी लगाओ हाँ मैं ना इनका सेरम भी यूज कर रही हूँ साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इनके सेरम्स ना वैसे एक दो साल से यूज कर रही हूँ मैंने कभी इसके बारे में बात करी नहीं ये मेरी है खाली बोतल पहले की ठीक है ये बिल्कुल खत्म है ये दूसरा आपने वॉशरूम से उठा के लाइया आपको शायद दिख पा रहा होगा थोड़ी गंदी पैकेजिंग है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रही हूँ इसमें भी है और ये मेरा नया वाला सेरम मैंने इसका जो इसके साथ लिया था मुझे था कि मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं इसके साथ ये ले लूं इन दोनों को यूज करती मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि इसने डेफिनेटली मेरे जो हेयर फॉल है ना उसको काफी रिड्यूस करा है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जब पहले हफ्ते में मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा था अब धीरे 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 ये ना कम होता जा रहा है ठीक है जैसे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करना होता है कभी कुछ अच्छे होते हैं कुछ अच्छे नहीं होते हैं तो उस वजह से कभी हेयर फॉल ज्यादा होता है कभी कम होता है तो इससे मेरा जो हेयर फॉल है ना वो काफी मेंटेन हो गया है जो बाप के नए बाल है ना वो आने में कम से कम दो से तीन महीने लेते हैं मैं आपको दोबारा से अपडेट कर दूंगी लेकिन आई मस्ट से कि मेरा हेयरफॉल बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है डेंड्रव तो मेरे सर पे है ही नहीं है अब मैं आपको यही नहीं बोलती कि अगर आप ये कॉम यूज कर रहे हो ब्लू वाली लाइट यूज कर रहे हो तो आप अपने बालों पे जो एंटीडेंट्रल शैम्पू यूज करते हो वो मत करो नहीं वो सब करो लेकिन साथ में इसको भी यूज करो और मेक श्योर sure आपको इसके 15 से 20 स्ट्रॉक ही लेने हैं तो आप इसको फोर सेक्शन में थ्री सेक्शन में डिवाइड करो जैसे ये पार्ट हो गया या एक सेक्शन में जब आप ले रहे हो ना पहले हफ्ते आप इसको पंद्रह से बीस स्ट्रॉक लोगे एक पार्ट पे ठीक है जैसे यहाँ पे मैंने पंद्रह से बीस स्ट्रॉक लिए है ठीक है और उसके बाद जब अगले सेक्शन पे जाना है तो पंद्रह से बीस स्ट्रॉक लेने स्ट्रॉक्स लेने हैं हर हफ्ते पांच 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 दिन करते रहिए चाहे आप पांच से दस मिनट भी इसको यूज कर सकते हैं इट्स अप टू यू बट मैं बोलूंगी पहले एक दो हफ्ते ना धीरे धीरे स्टार्ट करिए एकदम से स्टार्ट मत हो जाना ठीक है क्योंकि चाहे ये लो लेवल की लेजर ट्रीटमेंट है लेकिन है तो लेजर ट्रीटमेंट ना और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है आपके हेयर के लिए मैं आपको बताऊं मैं इनका जो फेशियल डिवाइस यूज कर रही हूँ आप उसका भी रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है इट इज अमेजिंग प्रोडक्ट इसके बारे में बोलूंगी ये भी काफी अच्छा है उसी हिसाब से मैं बोलूँ तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड अलॉन्ग विद यू कैन डेफिनेटली चेकआउट देयर सेरम बिकॉज इट इज अट इन कॉलेज इन हेयर ग्रोथ ड्रॉप विच रिड्यूस हेयर फॉल स्ट्रेंथन करता है आपके बालों को और बूस्ट हेयर ग्रोथ इट इज अयोटिन एंड कॉल हेयर ग्रोथ ड्रॉप इज पॉर पैक्ड विद हेयर ग्रोथ स्टमलेटिंग इनग्रीडियंट्स लाइक बायोटी एक्सट्रैक्ट इट ऑल्सो रीजुनेट हेयर फॉलिकल टू स्टिमुलेट थिक्कर फुलर एंड हेल्थियर हेयर ग्रोथ तो मैं इसका बोलूंगी की काफी अच्छा है इसका जो फॉर्मूला है वो काफी लाइट वेट है एंड ब्रांड तो ये बोलता है कि अगर आप इसके साथ इसको यूज करोगे तो जो आपको रिजल्ट है वो काफी विजिबली दिखाई देंगे और इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ही माइनर सी फ्रेग्रेंस है एंड मेक श्योर कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लीन स्कैल्प के ऊपर ही यूज करें ऐसे लेजर्स को और अगर आप यूज करें तो वाटर बेस्ड बहुत ही लाइट बेस्ड सीरम यूज कर सकते हैं आप इसको यूज करने के बाद भी सीरम यूज कर सकते हैं मैं तो बोलूंगी पहले इसको के ऊपर लगा चला लो और फिर उसके बाद आप सीरम लगा लो अगर आपको सीरम पहले लगाना है तो आप तब भी लगा सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मैं अभी ना आपको लगा के भी दिखा देती हूँ ये सीरम भी क्लिनिकली प्रूवन है डरमाटोलॉजिकली टेस्टेड है अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है एंड नॉन स्टिकी है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है ना इसको बस ऐसे कैप खोलना होता है और इस तरीके से ना मैं वैसे को लगाती हूँ और ऐसे करके मसाज कर लेती हूँ इन चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ और इसको लगाना भी बहुत इजी है कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है ऐसे लगाया और उसके बाद मैं इस तरीके से कॉम को करती हूं देखो मेरे अः बेबी है उसके बाद जैसे इतना स्ट्रेस रहता है वर्क स्ट्रेस रहता है यू कांट इवन इमेजिन बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस रहता है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये हेयर सीरम्स यूज कर रही हूँ ये रेड लाइट थेरेपीज यूज कर रही हूँ इसी वजह से ये जो मेरे बाल हैं वो अभी तक बिल्कुल उड़े नहीं है अभी तक गंजी नहीं हुई मैं नहीं तो मैं गंजी हो जाती जिस हिसाब से स्ट्रेस रहता है और मदरहुड के बाद तो वैसे बाल बहुत ज्यादा लाइट हो जाते हैं तो उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो ये काफी मुझे अच्छा लगा आप भी डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं देखो सीरम्स हम लगाते ही है सीरम्स लगाने में डेफिनेटली हेयर ग्रोथ होती है हेयर ग्रोथ से पहले आपके हेयर फॉल होना बंद हो जाता है ठीक है जो हेयर ग्रोथ है वो दो तीन महीने के बाद आपको विजिबली दिखाई देती है और मैं बोलूंगी ऑब्वियसली ये ये चीजें काम तो करती ही है क्योंकि नहीं तो अभी तक मैं गंजी हो चुकी होती मैं सच में बता रही हूँ ये जो सीरम्स है अगर आप चाहती हो कि ये सीरम्स डीपली पैनिट्रेट होना आपके स्कैल्प के अंदर आपके जो हेयर फॉल है वो जल्दी रुक जाए तो आप इस कॉम में डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए पंद्रह से बीस स्टॉक लेती हूँ हर तरफ या पांच से दस मिनट इसको यूज करती हूँ एन एम गुड टू गो ठीक है तो मैं भी आपको बोलूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं किसी एलईडी कॉम में इन्वेस्ट करने की तो आप इसको एक बार प्लीज चेकआउट कीजिएगा इससे जो मेरी हेयर की क्वालिटी है ना वो भी मुझे काफी अच्छी लगती है जब मैं इसे कॉम करती हूँ ना मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं अभी वाइब्रेशन मैंने ऑन ही नहीं की हुई ये देखो ओ हो 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 आ मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं इसको ऐसे करती रहूं बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है मुझे ओ हो 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 बहुत मैं तो वैसे ना इसका कंटिन्यू कंटीन्यूअसली जो चलती है ना वाइब्रेशन उसको ज्यादा यूज करती हूँ और रही बात ब्लू लाइट की यू विल सी डेफिनेटली विजिबल डिफरेंस इन योर डैंड्रफ जब आप ये ब्लू वाली एलईडी यूज कर रहे हो ना आप सिर्फ यहाँ पर अपने सर सर तक ही रह सकते हो क्योंकि मेन जो बैक्टीरिया है वो हमारी स्कैल्प के ऊपर ही होता है तो विद विद इन इन हफ्ते हफ्ते यार विदिन हफ्ते आपको डेफिनेटली रिजल्ट इसका दिखाई देगा कई बार होता है हमारे पास टाइम नहीं होता कि यार अभी कहाँ सीरम यूज करें कॉम तो हर कोई करता है ना लाइट्स को इग्नोर करूं तो वाइब्रेशन तो हो ही रही है ना तो इससे भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी अच्छा हो जाता है हम मसाज करते हैं ना मैं वो भी करती हूँ ऐसे ऐसे करके वो भी करती थी लेकिन जब से ये लिया मैं उसको नहीं करती क्योंकि मुझे इससे ज्यादा मजा आ रहा है तो इससे क्या होगा हम इसके साथ कॉम भी कर सकते हैं और आपके सामने मैं कर रही हूँ ये काफी अच्छे से कॉम कर रही है और एक और अच्छी बात इसकी ये है कि जब हम इससे कॉम करते हैं ना यार बाल नहीं झड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइड है ना इसलिए है ना इस तरीके से जैसे कि मैं इसको एक महीने से यूज कर रही हूँ तो आई वुड से ओल्ला I would say it is a good one to invest in. मैंने जब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसे खर्चे देना मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो बहुत ही बेकार होने वाला है मैंने ऐसे ही ले लिए लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत ही वाइजली अपने पैसे स्पेंड करे हैं और सबसे अच्छी बात पता है कि एक तो इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है दूसरा ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल है और अगर आपको कोई भी डाउट होगा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लेना मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी कोशिश करती हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ तो इससे रिलेटेड तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी और ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया बहुत ज्यादा आप एक बार इसको मैं फिर चलाऊं आप एक बार इसको ट्राई आउट जरूर कीजिए डेली रूटीन में इंक्लूड करने वाला प्रोडक्ट है देखो मार्केट में शायद और भी बहुत होंगी बट मैंने इसको इसलिए पिक किया था बिकॉज इट इज इंडिया फर्स्ट क्लिनिकली प्रूवन एलईडी हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट एट होम सो दैट्स वाई मैंने इसको पिक करा था क्योंकि क्लिनिकली प्रूवन होना बहुत जरूरी है सो दैट्स वाई यार ये मेरा ये मेरा उतरे ही जा रहा है मैं क्या करूँ चलो इसको रख ही देती हूँ साइड पे ना, ये बहुत अडिक्टिव प्रोडक्ट है है पता सो दिस दिस इज आई जस्ट टू टू से इन वीडियो एंड मेक श्योर फॉलो मी ऑन हैंडल और अगर आपको कोई ज्यादा डिटेल में बात करनी है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम हैंडल वहां पे मैं रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ तो